अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग गए थे तारिक रोड, ईद की कुछ शॉपिंग रह गई थी, दो तीन चीज़ें रह गई थी तो हम वो लेने गए थे। तो मुझे जो है वो ईद की चप्पल लेनी थी और मैं पहले स्टाइल हो गई वहाँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया। फिर मैं गई वॉकीज़, यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है। उसके बाद फिर मुझे दो पसंद आ रहे थे, उसमें से फिर मैंने ये राइट वाला ले लिया। आप लोग भी आगे आदमी आ रहे हो और कुछ भी नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे टाइम हो रहा है, लाइट हो रहा है मेरा कैमरा, बस 6 बज गए हैं। हाँ बज गए हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शान रमज़ान, और ये बच्चों का सेगमेंट होता है जो कि बहुत मज़ेदार होता है। ये नहीं माहिबा, ये हमारे पास भी एक बच्चा है। अभी मैं जाती हूँ किचन में, मम्मा से पूछती हूँ कुछ मदद है तो बताएं। जी गाइस, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी ब्रोस्ट। आप देख सकते हैं चिकन को बॉईल कर लिया, पहले इसमें कट लगाए और फिर बॉईल कर लिया। अभी एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और अभी डालेंगे एक यही वाला स्पून नमक। ये वाला नमक डालें और यहाँ साथ में जो है वो रेसिपी चल रही है। और आप देख सकते हैं पहले चिकन में हमने जो है अब ये नमक डाल रही है, एक टेबल स्पून डाला था नमक। अच्छा अब ये डाल दें। अब ये रेड चिली सॉस डाल रही है एक टीस्पून। कौन सा टीस्पून है, टेबल स्पून है? टी स्पून डाल दें आप भी। फिर आप उसमें डालिए हल्दी, यही वाला एक चम्मच आप हल्दी डालेंगे इसके अंदर। तो जी गाइस, हल्दी के बाद जो है हमने इसमें डाला एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, उसके बाद एक टीस्पून हमने डाला खुश्क धनिया पाउडर, और उसके बाद हम इसमें लेमन स्क्वीज करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। हाँ 1 टीस्पून। अब इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टीस्पून। हो गया, सारी चीज़ हो गई ना। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ें कितनी देर के लिए। और गाइस आप लोग नेक्स्ट। तो जी गाइस, यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है कि 6 बज गए। आप देख सकते हैं फ्रूट चाट है जो मैंने बनाई है, और दस्तरखान लग गया है। और ये मम्मा ने अभी जो है वो चिकन मैरिनेट किया है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको शेयर कर दूँगी आपके साथ। हमने यूट्यूब वीडियो देख के बनाया है, मैं खा के बताऊँगी कि कैसा बना है अवतार में। आज तेल गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। आज हम अफ्तारी में खाएंगे दाल चावल, क्योंकि वो फ्राइड चीज़ें खा के दिल भर गया। ओ गर्म तो नहीं हो रहा। और ये है दाल, काली मसूर की दाल, और यहाँ पे चिकन जो मैरिनेट करके रखा है, ये फ्राई होगा उसके अंदर, कोई आया दरवाजे पे। और शरबत वगैरह जो है वो है, और छोले बनाए मम्मा ने। तो बस टाइम भी होने वाला है, यहाँ पर हमने TV चला दिया है। जी गाइस, हमने जो है इसकी कोटिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम मम्मा ने ले लिया है 1 कप मैदा, और इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक डालें इसमें, और लाल मिर्च पाउडर डालना है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसमें जो है हमने थोड़ा सा मिल्क डाला, मिक्स किया अच्छे से और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। वैसे तो ज़्यादा देर के लिए छोड़ना चाहिए, टाइम कम है। बस 1 टीस्पून इसमें वो डाल दिए, इसलिए हमने जल्दी जल्दी करेंगे डाल दिया। अब ये डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, अब ये डालेंगे हम 1 टीस्पून बस। अब इसको मिक्स कर लें। चिकन पाउडर भी डाला वैसे उसमें, लेकिन हमने इसमें चिकन पाउडर डाल लिया इसलिए हम नहीं डालेंगे इसमें। डाल थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और डाल दें अम्मा।
पूरा टीस्पून भर के डाल दें तभी फ्लेवर आएगा। ठीक है, देखिए हमने दो कप, एक कप इसमें मैदा लिया है, एक कप मैदा लेके हमने इसमें नमक डाला है एक टीस्पून हमने चिकन पाउडर डाला, एक टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, एक टीस्पून पाउडर डाला और अब हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे, उसके बाद पानी भी डिप करेंगे, फिर पानी से निकाल के फ्राई कर देंगे। तो जी गाइस अभी जो है एक बना ली है और अभी ये वाली मम्मा आपको बना के दिखाएंगी, या आप कोई सी भी एक बूटी ले लें और फिर हमें इसको कोटिंग में डिप करना है, फिर हम इसको पानी में डालेंगे पूरा पानी और पानी में इसको एक दो सेकंड के लिए छोड़ेंगे और फिर हम इसमें डिप करेंगे, दोबारा से कोटिंग करेंगे और यहाँ रख देंगे और फिर ये सारी फ्राई होने जाएंगे और ऐसे ही बहुत क्रिस्पी बनती हैं, देख सकते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो है चिकन अंदर से कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए। तो जी गाइस अभी मैं इनको निकालूंगी, सारा ऑयल जो है वो ड्रेन कर लें, मैं इसमें रखूंगी। चिकन के साथ खाने वाली उसमें मैं मायोनीज दूंगी, केचप, गार्लिक सॉस है ये और ये मायोनीज है। ठीक है, अभी आप देखो मैं इसमें से मायोनीज निकालूंगी, मैं आपको बना के खाती हूँ। ये सॉस इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं जितने आपके पास लोग हैं उतने उस हिसाब से आप सॉस बनाएंगी, मैंने सिर्फ जो है 6 फ्राई किए हैं तो इसलिए मैं उसके हिसाब से बनाऊंगी। ऐसे ला दूँगी ये चिली गार्लिक इस तरह से। मिठाई कौन लाए? अब मैं इन दोनों को करूंगी मिक्स अच्छे से। मज़े का सॉस लग रहा है इसमें, आप हनी भी डाल सकते हैं, मुझे हनी नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं डालूंगी, लेकिन आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर सो रही हैं तो सोने दो, आए भाई छोड़ो। अब जो है इसमें हम डालेंगे नमक और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और फिर थोड़ा मिक्स कर लूँगी और ये बन तैयार। तो जी गाइस अभी जो है हम लोग आए हुए हैं मेरे अब्बू की बर्थडे है, उनकी बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए, तो अभी हम लोग आए हुए आइडिया समझ नहीं आ रहा क्या लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग कोई शर्ट लें इस टाइप की कोई शर्ट हो, तो मुझे अभी फ़िलहाल ये वाली पसंद आ रही है और एक ये वाली भी पसंद आ रही है, अब देखें क्या लेते हैं क्या नहीं लेते क्या होता है। और एक परफ्यूम लूँगी वो कहीं और से लूँगी, तो बस अभी आप देखते जाएं। तो जी गाइस हमने ये ले ली है, हमें पसंद आ गई है, अब हम जाएंगे नीचे बिल बनवाएंगे उसका। तो जी गाइस आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।